चलिए हम सीखेंगे कि हमारा रूम कूलर है इसमें जो है इस काफ़ी स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटर चेक करेंगे और कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्या हो रहा है, फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, तो हो सकता है कि स्पीड क्या हो जाए इसकी, बढ़ जाए और अच्छा खासा चले, क्योंकि काफ़ी दिनों के होने के बाद भी इसका जो कैपेसिटर होता है वीक हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ये क्या होता है, रूम कूलर होता है जो स्लो चलता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा पंप का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर देखें फ़ैन है, यहाँ पर मीडियम हाई लो और ऑफ का पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमारा 3 स्पीड में चलने वाला रूम कूलर है और यहाँ पर गुरु कंपनी का है, देख रहे हैं ना, गुरु का काफ़ी अच्छा होता है और महंगा भी आता है, ठीक है। चलिए हम इसके पीछे की साइड में लेकर चलते हैं, हमको देखिए यानी पीछे की साइड में काफ़ी अच्छा ये बना होता है, जो कि पानी इसका जो होता है ना हमारे ऊपर की साइड में आता है। देखिए देख रहे हैं ना, यानी ये पूरा पानी ऊपर जो मोटर होता है ना, जो मोटर पानी ऊपर लेकर आता है और यहाँ से ये क्या हो जाता है, चारों तरफ देख रहे थे मैं छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, तो यहाँ से पानी हमारा अंदर की साइड में चले जाते हैं, जिससे इसकी घास पूरी अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, भीग जाती है, ठीक है ना। और पीछे की साइड में देखते हैं, देखिए पीछे के साइड में इसमें हमने घास भी बदला है, तो घास बदलना तो सभी को आता है, इसलिए हमने उसको वीडियो को नहीं बनाया। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर न्यू घास हमने लगाया है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कैपेसिटर है देखिए कितने MFD का है, 6 MFD का, ठीक है ना। और हम इसके डायग्राम पे देखते हैं, क्योंकि किसी ने इसमें 6 MFD का कैपेसिटर लगाया था, लेकिन यहाँ से अब ध्यान से डायग्राम पे देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं डायग्राम दिखाने का, डायग्राम पे देख रहे हैं यहाँ पर ना, इट साइज पे देख रहे हैं डायग्राम पे 8 MFD लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है ना काफ़ी कम चल रही थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये जो स्टिकर होते हैं ना काफ़ी अंदर होते हैं, तो लोग इसमें यहाँ पर देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने MFD का लगा है, 8 MFD का कैपेसिटर लगा है, जो कि कंपनी ने इसमें लगा कर दिया ऑलरेडी पहले से। और यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो हमारा कितने MFD का है, 6 MFD का है, इसीलिए क्या कर रहा था कि जो हमारा रूम कूलर है ना इसकी स्पीड काफ़ी कम चल रही थी, जिससे कस्टमर काफ़ी क्या था, परेशान था। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो कैपेसिटर है इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्टीकर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम 8 MFD का कैपेसिटर का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमने 8 MFD का कैपेसिटर लेकर आए हैं, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं और फिर इसकी स्पीड देखते हैं कि कितना अच्छा खासा इसकी स्पीड दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टिकर पे हमने दिखाया आपको, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसमें 8 MFD दिया हुआ है कि इसके अंदर आप 8 MFD का कैपेसिटर क्या, तो चलिए हम इस कैपेसिटर के देख रहे हैं कि मोटर से ये ऑलरेडी कैपेसिटर के 2 तार निकले हुए हैं, देख रहे हैं ना कि ए स्पीड के तार अलग से इसमें दे दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें 4 तार हैं और 2 तार इसके अंदर है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर क्या 2 तार अलग से है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होता है, दोनों तार को हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल लेंगे, देख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार से, यहाँ से जो 6 MFD का कैपेसिटर है उसको हम बाहर की साइड में निकालते हैं, ऐसे देखिए हमने निकाल दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देखिए 8 MFD का कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डायग्राम पर आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर 8 MFD का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे 8 का लगाएंगे, फिर इसकी स्पीड को देखेंगे कि अच्छा खासा स्पीड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए तो सिंपल सा होगा, जैसे कैपेसिटर को निकाले थे ना, तो इस कैपेसिटर में भी तो 2 तार होंगे, तो मोटर के जो 2 तार होंगे ना अलग से होंगे, उसी में इनको जोड़ देना है, देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छे से हमें क्या करना है, जोड़ देंगे। तो अगर आपको भी किसी मोटर में कैपेसिटर लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। और घास को भी, क्योंकि आसानी से इसमें घास भी बदला जा सकता है, तो घास तो हम बदले थे, लेकिन उसके भी उसका मतलब वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि पता है कि घास नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी निकाल कर उसको क्या कर सकता है, आसानी से बदल सकता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे, देख रहे हैं ना दोनों तारों में अच्छे से हमें क्या करना है, टेप लगा देना है। वजह से क्या होता है, कम पावर लगाने की वजह से आपका जो रूम कूलर हो, चाहे फैन हो, चाहे कोई भी फैन हो, वो आपका क्या करेगा, स्लो चलेगा। तो हमें क्या करना है कि उसमें स्टिकर को देख लेना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टिकर के पास, देख रहे हैं ना कैपेसिटर कितने का है, 8 MFD का प्रयोग किया गया है, गुरु का है, देख रहे हैं ना। तो इस फैन पे ही कैपेसिटर 8 का है, ऑलरेडी इसमें 6 का लगा था, तो हमने 8 का लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं और चला करके देखते हैं कि स्पीड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए देखिए हम सामने की साइड में आ गए, चलो करो,
देखिए इसका पंप मोटर है ना, तो अगर पंप मोटर चलेगा तो इसमें से कुछ आवाज़ आएगी। नीचे पंप मोटर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो आवाज़ आ रही है, यानी कि इसका पंप मोटर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब बटन को ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन चलेगा। सबसे पहले तो चलेगा लो वाले पे, तो पहले लो पे चलाते हैं। देखिए लो पे ही, यानी कि 8 MFD का कैपेसिटर हमने लगाया, तो लो पे ही कितना ज़बरदस्त स्पीड दे रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे, मीडियम करेंगे तो और ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर हाई करेंगे तो ये और ज़्यादा स्पीड दे देगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, यानी कुल सिर्फ कैपेसिटर का प्रॉब्लम था। तो अगर इसमें आपका ऑलरेडी पहले दिया है कि आप क्या करिए कि 6-8 MFD का कैपेसिटर लगाइए, और आप क्या करेंगे उसमें 6 का लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रूम कूलर मोटर जो होगा स्लो चलेगा। ठीक है ना, तो ये सब हमें कहीं पर काम करने जाएंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऑलरेडी अगर 8 MFD का है तो उसमें हम 6 MFD का लगाएंगे तो मोटर स्लो चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने लो पर ही इसको चलाया तो कितना ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कहीं पर रूम कूल जाते हैं ऐसी शिकायत मिलती है कि उसका फ़ैन स्लो चलता है, उसका बूस्ट सही है, पंखी भी बराबर नाचती है, तो आप क्या करेंगे कैपेसिटर को देख लेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल सी इसमें समस्या थी, हमने सिर्फ कैपेसिटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इसकी स्पीड ज़बरदस्त आने लगी। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।